हाँ जी बेटा, टुडे वी हैव टू डू 13.3 एक्सरसाइज, जिसमें कन्वर्जन्स है। कन्वर्जन मतलब एक सॉलिड है मेरे पास, मान लीजिए स्फीयर है, उसको मेल्ट करके मैंने सिलेंडर बनाया, ठीक है, या दो तीन सिलेंडर्स बनाए जिनका वॉल्यूम सेम था। तो बेटा ऐसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं, वॉल्यूम इक्वेट करते हैं। वी हैव टू इक्वेट द वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ वन सिलेंडर जो भी हमने मेल्ट किया उसको जिसमें बनाया उसके इक्वल होता है, ठीक है बेटा। तो फॉर दैट लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चंस, तभी आपको कन्वर्जेंस के क्वेश्चंस का पता चलेगा। फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, अ मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रीकास्ट इनटू द शेप ऑफ ए सिलेंडर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। मेरे पास जो है एक मेटेलिक स्फीयर था, ओके, और मैंने इसको रीकास्ट करके मैंने बेटा एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में बनाया, ओके, क्लियर। अब उन्होंने क्या कहा है कि एक सिलेंड्रिकल शेप में बनाया जिसका मेरे पास रेडियस जो है दैट इज 6 सेंटीमीटर, ओके, और मुझे इसका रेडियस भी दिया हुआ था 4.2। ऐसे फिगर बनाओ कभी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। नाउ व्हाट दे राइट कि फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर, कि वो सिलेंडर कितनी हाइट का होगा मुझे वो कैलकुलेट करना है। दिस इज वेरी इजी, क्लियर कट लिखा है कि मैंने मेटेलिक सफेयर को मेल्ट किया, यानी जो उसका अंदर से सारा मटेरियल मेल्ट हो गए उतना ही वॉल्यूम किसका होना चाहिए, सिलेंडर का होना चाहिए, मेल्टेड है ना, तो अभी इसे वॉल्यूम इक्वेट करते हैं। तो आप क्या लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेटा, वॉल्यूम ऑफ जो है स्फीयर दैट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मेरे पास जो है, तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 πr³, दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम सिलेंडर। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मेरे पास क्या होता है, πr² h, यहाँ r दूसरा लिख लिया, यहाँ पर भी कैपिटल लगा कि डिस्टिंग्विश हो जाए, नहीं तो r r कटिंग मत कर दो आप, ठीक है। तो अब पाई और पाई तो कैंसिल हो ही जाएंगे, बाकी सारी वैल्यूज पुट करो, 4/3 मेरे पास जो है, यहाँ h भी हम कैपिटल ले लेते हैं क्योंकि कैपिटल यूज किया, और मेरे पास r 4.2³ दैट इज मेरे पास जो है 6² × h। बस अब h कैलकुलेट करना है, तो h इज इक्वल टू 4/3, मेरे पास 4.2 जो है वो 3 × 4.2 4.2 और × 6 × 6, ओके, डू द कटिंग, फटाफट कटिंग कीजिए, ये क्लियर कट कट हो रही है, 3 1 पॉइंट जो है 4, ओके, मेरे पास 6.7 और ये भी 0.7। अब सारा मल्टीप्लाई कीजिए एंड कैलकुलेट इट, आंसर जो मेरे पास आएगा बेटा, ये सारा कटिंग होके 2.744 सेंटीमीटर मेरे पास हाइट निकल, ओके, क्लियर, सबको पता चल गया बेटा, वेरी इजी ना, ये एक्सरसाइज बहुत इजी है, ठीक है। लेट अस डू द नेक्स्ट बेटा, अब मेरे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस जो है रेडियाई 6, 8 और 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली आर मेल्टेड टू फॉर्म ए सिंगल सॉलिड स्फीयर। मेरे पास जो है, लेट अस सी, हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर जो है 2 है मेरे पास, यहाँ पर दिया हुआ है मेटेलिक सफेयर जो है, अलग अलग मेरे पास सफेयर दिए हैं, ठीक है, जिनकी रेडियाई जो है वो अलग अलग दी हुई है, और व्हाट दे राइट की पहले का 6 सेंटीमीटर और अगले का 8 सेंटीमीटर एंड अगले का 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, दे आर मेल्टेड, अब इनको मेल्ट किया गया टू फॉर्म अ सिंगल सफेयर, ओके, टू फॉर्म अ सिंगल सफेयर,
इसको एक सिंगल स्फीयर में कन्वर्ट किया गया, तो मेरे पास जो है फाइंड द रेडियाई ऑफ द रिजल्टिंग जो है स्फीयर, वो कहते हैं कि इसका कितना रेडियस है ये कैलकुलेट करना है। सेम वही अगर मेल्ट किया एक सिंगल बनाया, यानी तीनों का वॉल्यूम मिल के सिंगल स्फीयर के वॉल्यूम के इक्वल होगा, होगा ना, तो मेरे पास जो है यहाँ पर क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्फीयर ओके प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकेंड स्फीयर जो है प्लस वॉल्यूम ऑफ थर्ड स्फीयर दैट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर, ये होना चाहिए ना, यही चीज होगी ना। तो अब मेरे पास वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर वन क्यूब प्लस 4/3 पाई आर टू क्यूब प्लस 4/3 पाई आर थ्री क्यूब दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब क्लियर कट है 4/3 पाई सब में से कम हो, अब एक बच्चा अलग अलग वॉल्यूम निकाल के कर रहा है तो बेटा उसको टाइम ज्यादा लगेगा, हम यहां पर ही मेंशन कर देंगे फिंगर में आर वन आर टू आर थ्री, ये मैंने आर लिखी थी ना, तो अब 4/3 सब में से कॉमन होके कैंसल हो गया, तो देखो कैलकुलेशंस मेरी कितनी जो है सिंप्लीफाई हो गई ओके। अब आर वन 6 क्यूब प्लस 8 क्यूब प्लस 10 क्यूब दैट इज आर क्यूब ओके। अब मैं ये फिगर रब कर रही हूं, मैं इधर कैलकुलेशंस कर देती हूँ, तो मेरे पास जो है यहां पर 6 का क्यूब जो है 216, ठीक है, लेट अस राइट 216, और 8 का क्यूब मेरे पास 512, तो मेरे पास 512 एंड 10 का क्यूब 1000 आर क्यूब, अब ऐड कर लीजिए तो मेरे पास जो है आर क्यूब जो है इट कम्स आउट टू बी ऐड किया 8271, चेक कर लेना बेटा कैलकुलेशन जरूर चेक किया कर ओके। अब आर क्यूब उधर जाके क्या बन जाएगा, क्यूब रूट, अब 1728 के फैक्टर्स बनाए, फैक्टर्स बनाइए जरा, मेरे पास क्या आएंगे यहाँ पर, पहले 2 पे गया 2 2 2 फिर 2 2 2 एंड 3 3 3, फैक्टर्स बना के देख लीजिए ओके, क्योंकि मुझे पता है ये 12 का क्यूब होता है, आई नो इट वेरी वेल कि 10 का क्यूब जो है 1728 होता है, तो मैंने 12 होता है 4 मतलब 2 2 3, इसीलिए मैंने पहले 2 के फिर 2 के फिर 3 के लिख लिए, मैंने ऐसे किया, ठीक है जी। अब क्लियर कट है, मेरे पास 2 × 2 × 3 12 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में ही था ना सारा कुछ हमारे पास, तो ऑब्वियस है सेंटीमीटर ही आएगा, क्लियर हाँ जी। 10th D क्लियर बेटा, दक्ष दक्षिता दिव्यांश अरलीन जिया जिया धवन लक्ष्य टंडन मन्ना नव्या, पहले वीडियो ऑन कीजिए अगर कुछ पूछना है तो बेटा, क्लियर चले आगे ओके। चलिए लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी बेटा, तो मेरे पास जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 मीटर डीप वेल विद डायामीटर जो है 7 मीटर। अब इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से सुनना बेटा, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से, बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है बट अंडरस्टैंडिंग के लिए। उन्होंने कहा कि मेरे पास जो है एक 20 मीटर डीप वेल विद डायामीटर 7 मीटर। अब एक डीप वेल ऑब्वियस जो वेल है वो सिलेंड्रिकल शेप में माना जाता है, ठीक है, और इसका डायामीटर जो है वो 7 मीटर एंड द राइट जो है इज डग और 20 मीटर हाइट दी हुई, 20 मीटर डीप बोला, ठीक है, हाइट ऑफ द सिलेंडर दे दिया। अब उन्होंने क्या कहा, इज डग मतलब एक हमने गड्ढा खोदा सिलेंड्रिकल वेल की फॉर्म में, एंड द अर्थ फ्रॉम द डिगिंग वेल
is evenly spread out to form a platform. उसने कहा जो मिट्टी निकाली गई ना उससे हमने एक प्लेटफॉर्म बनाना है. प्लेटफॉर्म मतलब एक हमने पाथ सा बनाना है ना, और उसकी लेंथ ब्रेथ दे दी मुझे. हमने जो पाथ बनाना है ये ऑब्वियस है वो क्यूबॉइडल फॉर्म में होगा ना बेटा, तो इसकी लेंथ और ब्रेथ दे दी. लेंथ जो है 22 मीटर और ब्रेथ दे दी मुझे 14 मीटर, ये दे दिया. अब उन्होंने क्या कहा, फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म. क्या करें अब हम, हमें इसकी हाइट कितना ऊंचा ये बना हमने वो निकालना. व्हाट वी विल डू, टेल मी बेटा क्या दिमाग में आता है. यस तान्या बेटा, यस तान्या मैम, वॉल्यूम ऑफ अर्थ लग इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म, दैट इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड. बिल्कुल करेक्ट बेटा, बिल्कुल करेक्ट, कि हमने अर्थ डग जो सिलेंड्रिकल फॉर्म में निकाली है तो 100% जो है आप लिखोगे वॉल्यूम ऑफ, क्योंकि जितनी मिट्टी खोदी गई वो किसके इक्वल है, जितना प्लेटफॉर्म बनाया दोनों का वॉल्यूम सेम ना, तो रिकास्टिंग हुआ ना एक तरह का, तो वॉल्यूम ऑफ जो है अर्थ मेरे पास डग आउट जो है दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ जो है क्यूबॉइड. ओके, अब उसके जो है यहाँ पर दिस इंप्लाइज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, अब मैं सिलेंडर का सीधा पाई आर स्क्वायर एच दैट इज इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच. दिव्यांश वीडियो ऑन कीजिए, ओनली देन आई विल टेक द प्रॉब्लम. ओके, अब मेरे पास स्मॉल एच ये इतनी है और डायामीटर जो है मेरे पास दैट इज 7 सेंटीमीटर, तो प्लीज मेंशन आर इज डी बाय टू दैट इज 7/2 मीटर. ओके बेटा क्लियर, तो अब मेरे पास हो गए 22/7, आर इज 7/2 स्क्वायर इनटू एच दैट इज 20 और एल की वैल्यू 22, 14 और ये एच. ओके बेटा जी, अब यहां से वैल्यूज कैलकुलेट कीजिए जल्दी जल्दी. Let us see कि क्या वैल्यू आती है हमारे पास. हाँ जी बेटा, तो मेरे पास जो है h इज इक्वल टू 22/7, 7/2 के स्क्वायर को मैं 7/2 इंटू 20 और 22 और बाय 40. कटिंग कीजिए सारी, 11, 2, 7, 7 कैंसिल और ये 20 था, ये 10, मेरे पास ये 2 और दिस इज 5. ओके बेटा, तो चेक कीजिए कि मेरे पास जो है, चेक कर लेना कोई रह तो नहीं गया, 2 एक रहता है तो h इज इक्वल टू 5/2, तो 2.5 जो है मीटर. ओके क्लियर बेटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को भी, एनी प्रॉब्लम टू एनी वन. ठीक है जी, चलिए बेटा आगे चलिए, लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन. चलिए मेरे पास हो गए, अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में देखना डिफरेंस क्या है. निकाला इसमें से भी हमने मिट्टी से एक वेल है, लेकिन हमने अलग एक प्लेटफॉर्म बनाया, अलग एक क्यूबॉइड बनाया. लेकिन अगले वाले क्वेश्चन में पता क्या होगा, मिट्टी निकालिए और उसी के साइड पे फैला दी. आप देखते हो ना वेल के साइड पे कई बार ऐसे मोटा सा वो बना होता है पाथ सा, जिसपे खड़े होके लोग क्या करते हैं पानी निकालते हैं, है ना. अब ये ऐसा क्वेश्चन आएगा, तो दोनों में डिफरेंस देखना. ओके, लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन. देखिए हाँ जी बेटा, मेरे पास तो गए क्वेश्चन नंबर 4th. लेट अस सी, अब क्वेश्चन नंबर 4th में क्या है, अ वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर. जैसे जैसे वो कहते हैं ना, सबसे पहले तो वो बनाया करो ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना. ये लीजिए मैंने ये वेल बनाया. ओके, और ये मैंने डग आउट किया, इसका डायमीटर जो है वो 3 मीटर है.
आई एम डगिंग इट विद डीप जो है वो 14 meters. ओके द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट हैज बीन स्प्रेड इवनली ऑल अराउंड इट इन द शेप ऑफ ए सर्कुलर रिंग विद विड्थ 4 meters to form an embankment. Embankment का मतलब बात ही होता है एक थड़ी थड़ी embankment. आप पंजाबी में बोलते हो थड़ी बनानी फुट बन, जहां पर हम स्टेप्स रख के ऊपर चढ़ सके. तो उसने कहा कि इसके अराउंड ऐसे मैंने एक रिंग टाइप जो ये ऐसे बनाया ठीक है और इसकी रिंग की ये क्योंकि ये ऑलरेडी इधर से ऐसे सर्कुलर है ठीक है तो ये रिंग की विड्थ मेरे पास 4 meters दिस. ओके तो अब उन्होंने कहा कि बताइए इस एम्बैकमेंट की हाइट कितनी होगी. इसकी हाइट कितनी है मिट्टी तो निकाल ले अब मिट्टी अंदर से निकाल ली स्प्रेड यहां होगी तो इसकी हाइट निकाल. ओके तो अब क्या कर सकते हैं बता सकता है कोई बच्चा विच वॉल्यूम वी हैव टू इक्वेट. वॉल्यूम ही इक्वेट होना है ये तो पक्का है ना मिट्टी निकाली उसको यूज किया तो हम कैसे क्या किस फॉर्मूले को इक्वेट कर. ओके दिव्यांश यस दिव्यांश बेटा यस दिव्यांश मैम वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन बाय सिलेंड्रिकल वॉल इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ एम्बैकमेंट. ओके बिल्कुल करेक्ट है कि वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल अर्थ डग आउट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एम्बैकमेंट बट एम्बैकमेंट की शेप कैसी है. मैम वो तो सिलेंडर की है पर उसमें से बड़ा आर स्क्वायर और स्मॉल आर स्क्वायर उसमें से माइनस. बिल्कुल हम ऐसे नहीं कह सकते बड़ा आर स्क्वायर में से छोटा आर स्क्वायर. आपने ये कहना है कि आउटर सिलेंडर में से इनर सिलेंडर माइनस कर दें तो वो एम्बैकमेंट का वॉल्यूम आ जाएगा. अल्टीमेट एम ऐसे बोलना है ना. बिल्कुल करेक्ट दिव्यांश कॉन्सेप्ट इज करेक्ट. ठीक है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर लेट अस सी फर्स्टली वॉल्यूम ऑफ जो है अर्थ डग आउट दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम जो है ऑफ एम्बैकमेंट. ओके ये मैंने कह दिया. अब वॉल्यूम जो अर्थ डग आउट है वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में होगा पाई आर स्क्वायर एच और इसमें से अब सबसे पहले हम पता क्या करें हम एच वगैरह ये स्मॉल अंदर वाले का मैंने ये स्मॉल लिख दिया स्मॉल आर भी लिख दिया 3/2 और जो बाहर वाले का होगा हम कैपिटल आर लिखेंगे और कैपिटल एच यूज करेंगे ताकि प्रॉब्लम ना आए. ओके तो अब हम यहाँ पर पाई आर स्क्वायर एच. अब देखो यहाँ जो एम्बैकमेंट है ना अब जो अंदर वाला माइनस करना है उसकी हाइट तो सेम ही होगी ना बेटा है ना क्योंकि स्प्रेड हमने जो है बाहर बाहर करना है तो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच एच विल रिमेन सेम. ओके एम्बैकमेंट का यही होगा तो हमारा जो है इससे बेनिफिट क्या होगा पाई 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 सब कैंसिल हो जाएंगे. ठीक है जी अब आर स्क्वायर एच कैपिटल मुझे ये वाली चीजें चाहिए. अब देखो कैपिटल एच मुझे निकालना है मुझे टेंशन नहीं है. अब स्मॉल आर मैंने निकाल दिया था डी बाई टू 3/2 1.5 meters. ठीक है स्मॉल एच मुझे पता 14 meters. नाउ व्हाट आई नीड कैपिटल एच ओ कैपिटल आर कैपिटल एच तो निकालना. अब देखो मेरा यहां से लेकर यहां तक 1.5 है और ये विड्थ आगे 4 दी है तो कैपिटल आर क्या हो जाएगा 1.5 + 4 तो 5.5 meters. ओके जी मेरे पास हो गए रेडियस क्या हो गया 5.5 meters. अब कर ले बेटा यहां पर सारी वैल्यूज पुट कर ले अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे पास हो गए सारी वैल्यूज आ गए. Small r is 1.5 square, small h is 14 और capital R is 5.5 square. मैं ना h कॉमन ले लेती थोड़ी कैलकुलेशन इजी हो जाती और इधर स्मॉल r 1.5 square. ओके तो दिस इम्प्लाइज मैंने जो है
कैपिटल एच निकालना है, 1.5 × 14/5.5² - 1.5² मैंने पॉइंट फाइव वाले डिजिट्स का आपको स्केयर रूट करना बताया, स्केयर बताया हुआ है कि कैसे करते हैं, है ना। तो आप भी वैसे ही ट्राई कर सकते हो, कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम इसको सारा सॉल्व करेंगे जब, या आप ये भी कर सकते हो a² - b² और इजी हो जाएगी कैलकुलेशन, मैं तो उसी से करूंगी। ओके, a² - b² से करूंगी तो a + b, जब प्लस करूंगी तो ये 7 आएगा, माइनस करूंगी तो ये 4 आएगा। उसका बेनिफिट क्या हो जाएगा मुझे, ये और ये कट गया 2, ये 2 से 2 कट गया। कटिंग कर दो सारा और कैलकुलेशंस कीजिए और आंसर आपका आएगा 1.125 मीटर। कैलकुलेशंस कर लो सारे। ओके बेटा, क्लियर, कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है ना बेटा। ये हम कैलकुलेशंस आप पे डिपेंड करती हैं, सिर्फ अल्टीमेट एम है कि आपने क्या करना है, कॉन्सेप्ट को समझना, किसके वॉल्यूम को किसके साथ क्लियर करें, इक्वेट करें, ताकि आपको वो समझ आए। ओके बेटा, क्लियर। चलिए लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे पास तो है फिफ्थ क्वेश्चन। व्हाट इज रिटन हियर, अ कंटेनर शेप्ड लाइक अ राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग डायमीटर। फिफ्थ क्वेश्चन में मुझे क्या दिया हुआ है, पहले फिगर बनाते हैं यहाँ पर, फिर आगे चलते हैं। ओके, इन क्वेश्चन फिफ्थ बेटा, दे जस्ट राइट कि मेरे पास एक कंटेनर है राइट सर्कुलर सिलेंडर टाइप। ओके, राइट सर्कुलर सिलेंडर टाइप एंड व्हाट इज रिटन, देयर डायमीटर इज 12 सेंटीमीटर, डी इज 12 सेंटीमीटर। ओके, एंड देयर हाइट इज मेरे पास 15 सेंटीमीटर, एच इज 15 सेंटीमीटर, दैट इज रिटन देयर। फुल ऑफ आइसक्रीम जो है, द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इन टू द कोन ऑफ हाइट। ये आइसक्रीम जो है ना, वो कोन में फिल्ड की गई। ऑब्वियस है, कोन में ऐसे आती है, ऐसे ही बनता है ना। लेट अस राइट, वेट वेट वेट, ये देखिए। ओके, आइसक्रीम जब कोन में फिल की जाती है, ऊपर हेमिस्फीयर वाला भी पार्ट आता है। ओके, तो मेरे पास जो है यहाँ पर उन्होंने कहा कि आइसक्रीम जो है फिल्ड की गई कोन ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर एंड डायामीटर 6 सेंटीमीटर। ये डायामीटर 6 और हाइट, हाइट ऑब्वियस है विद हेमिस्फेरिकल पार्ट उन्होंने लिया होगा, दैट इज 12 सेंटीमीटर। ओके, नाउ व्हाट द राइट, हैविंग ए हेमिस्फेरिकल शेप ऑन द टॉप, उन्होंने क्लियर भी कर दिया कि इसका हेमिस्फेरिकल टॉप है। नाउ व्हाट द राइट, फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन्स व्हिच कैन बी फिल्ड विद द आइसक्रीम। कितने कोन्स हम इस जो है सिलेंड्रिकल कंटेनर से फिल कर सकते हैं, कोन हमने ये कैलकुलेट करना है। ऑब्वियस है, जब भी नंबर निकालना होता है हम क्या करते हैं, हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को किससे डिवाइड करेंगे, वॉल्यूम ऑफ वन कोन। तो क्लियर कट हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, नंबर ऑफ कोन्स, यही करेंगे। या हम ये कर सकते हैं एन इंटू, हम मान लेते हैं कि एन कोन्स जो है वो मेरे पास बन रहे हैं, तो हम यहाँ पर मानेंगे कि एन इंटू वॉल्यूम ऑफ वन कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्योंकि दोनों के जितने कोन्स फिल किए है ना, और उसका वॉल्यूम और सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अब जब आप कोन का वॉल्यूम लोगे, उसमें अकेला कोन नहीं आएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। तो इसीलिए बेटर है कि हम डिवाइड वाला करेंगे तो थोड़ी कैलकुलेशन हमें इजी लगती है, बाकी आप पे है कि आप कैसे करते हो। ओके जी, क्लियर। हम ऐसे भी कर सकते हैं कि लेट नंबर ऑफ कोन्स जो है दैट इज इक्वल टू एन, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एन इंटू वॉल्यूम ऑफ जो है कोन, और इसमें स्पेसिफाई कर दो कोन प्लस हेमिस्फीयर। ओके, कि हम पूरे कोन में क्या क्या लेंगे, दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ओके बेटा,
तो अब देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, व्हाट वी हैव टू डू, वैल्यूज पुट करते हैं, दिस इंप्लाइज, अब सब कुछ यहाँ पर पहले लिख देते हैं, आर इज 12/2 दैट इज 6 सेंटीमीटर, यहाँ स्मॉल लिया तो यहाँ कैपिटल ले लेते हैं, अब इसका देखिए इसका कैपिटल आर मेरे पास जो है वो 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी ये भी 3 है, ऊपर वाला पार्ट ये 3, ये भी 3, पूरे 12 में से 3 चले गया, तो बेटा कैपिटल एच 12 - 3 दैट इज 9 सेंटीमीटर, ओके जी, क्लियर टू एवरीवन। अब बेटा क्या करेंगे, यहां पर सारे वैल्यूज लिखे, एन इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन मतलब या पूरे खाने वाले कोन की बात करें, शेप वाले कोन की बात नहीं करें, तो उसमें वॉल्यूम ऑफ कोन शेप प्लस हेमिस्फीयर, अब मैं दोनों का वॉल्यूम ऐड कर रही हूं, तो कोन का होता है 1/3 πr² h प्लस हेमिस्फीयर का होता है 2/3 π r, तो दोनों में सेम ही है ना, तो दैट इज 2/3 πr³ दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दैट इज पाई मेरे पास जो है r² h। अब इसका बेनिफिट क्या होगा, पाई 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 सब में से कैंसिल हो जाएगा है ना, हमारी कैलकुलेशंस इजी हो जाएंगी, तो मेरे पास पाई 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 कैंसिल, अब सारी वैल्यूज पुट करो, n इंटू 1/3 मेरे पास जो है आर स्क्वायर दैट इज मेरे पास जो है आर कितना आया था 3 का स्क्वायर, और h दैट इज 9 प्लस 2/3 आर कितना था 3 का क्यूब दैट इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर 6 का स्क्वायर इंटू h कितना है 15, ओके बेटा। दक्ष अनम्यूट, शो मी द वीडियो इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग, शो मी द वीडियो इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग बेटा, ठीक है। अब बेटा क्या करेंगे यहाँ पर, व्हाट वी हैव टू डू हियर, हाँ जी बेटा, यस दक्ष पूछिए, क्या पूछना चाहते हो बेटा। मैम वो पाई कॉमन कॉमन आएगा मैम, कैंसिल थोड़ी होगा बेटा, वही कॉमन लेके मैंने कटिंग ही की है, मैंने शॉर्ट स्टेप में की है, ऑब्वियस है जब आपने कॉमन लिया तो उधर से काट दिया, मैंने एक ही स्टेप में कर दिया, मैंने भी यही बोला ना कॉमन लेके कटिंग कर दो, ओके तक ठीक है जी, ओके हाँ जी, चलिए बेटा नेक्स्ट, बेटा मेरे पास जो है यहाँ कटिंग कीजिए, अगर आप कटिंग करते हो तो मेरे पास ये 3 3 दो, और 1 3 इससे कट गया, ये 2 रह गया, मेरे पास क्या बचा n इंटू, ये बना 27 प्लस यहाँ 9 2 18 और यहाँ 36 × 15, अब बेटा ये ऐड कीजिए तो n इज इक्वल टू 36 × 15 तो ये हो गया 45 और ये 5 9 द ओके और 9 4 द, तो जो है 4 सच कोन्स, जो है 4 सच कोन्स कैन बी फिल्ड जो है विद दिस टाइप ऑफ सिलेंडर, चेक करना बेटा कोई कैलकुलेटिव मिस्टेक ना हो जाए है ना, एक बार हम चेक कर लें, लेट अस सी, हाइट मेरी जो है सिलेंडर की 15 ही दी है और 1/3 कोई मिस्टेक हो रही है हमसे, लेट अस सी बेटा, लेट अस सी वी आर डूइंग, वेट हमने हाइट गलत ले ली है बेटा, चेक कीजिए क्योंकि इसका आंसर मुझे याद था 10 है, एक बार स्टेटमेंट री वेट बेटा, यहाँ एक गलती हो गई हमसे, उन्होंने कहा था हाइट ऑफ कोन 12 सेंटीमीटर है ना, यहाँ पर कोन 12 सेंटीमीटर, तो दैट मींस कि यहाँ पर हमने तो पूरा ले लिया, ओके क्योंकि मेरी बुक में जो है एक रफ सी फिगर बनी हुई थी तो मैंने देखा ही नहीं, तो बेटा यहाँ पर हाइट ऑफ द कोन मतलब ये निकालना ही नहीं हमने, प्लीज करेक्ट इट, ओके स्टेटमेंट देखा हमने ध्यान से नहीं दिया, तो दिस इज हाइट 12, हमें वो कोई माइनस करके नहीं निकालना है, यहाँ पर जो है
height of the cone is 12. Please correct it. Okay? इससे calculations कीजिए. Let us do it again. हाँ जी, ये 3 से 3 कट गया. यहाँ 36. Okay? Plus मेरे पास जो है यहाँ 18. और बाकी तो कोई mistake नहीं हुई हमसे. सिर्फ value put करने में हो गई. तो बेटा n is equals to 36 into 15 by मेरे पास तो गए ये 4 और ये 54. ओके, तो अब कटिंग करते हैं. 9 4 दा, 9 6 दा, 3 2 दा, 3 5 दा. यस, देखिए क्योंकि इतने कम कोन जब फिल हुए, मैंने कहा कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी कर दी है आपने, तो हमने देखा ही नहीं कि हमने सीधा पूरे कोन का हाइट ले ली थी. देखा, ये गलती हो गई ना. जब तक वो कहता नहीं ना कि विद दिस हेमी स्फेरिकल पार्ट, हम उस पूरी को हाइट नहीं ले सकते. क्लियर बेटा, बात समझ आई सबको? ठीक है, ऐसी गलती देख लो, आपसे भी हो सकती है, तो ऐसा नहीं करना. ओके बेटा जी, इज इट क्लियर? नाउ अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, लेट अस रीड दैट क्वेश्चन. How many silver coins 1.75 centimeter in diameter and of thickness? अब यहाँ thickness का मतलब क्या है कि मेरे पास जो है उसकी height की बात हो रही है. Be melted to form a cuboid of dimension जो है वो कहता कितने ऐसे coins melt किए जाएं कि हमें को cuboid बनाया जाए. Same वही वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड को वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर से क्या कर दो, डिवाइड कर दो. सेम कॉन्सेप्ट, बट एक चीज याद रखनी है. देखो मेरे पास डायमीटर तो सेंटीमीटर में दिया है, लेकिन हाइट जो है वो मिलीमीटर में दी हुई है, तो आप उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे. ओके, यू हैव टू कन्वर्ट. आपको पता है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, तो 10 से डिवाइड करोगे ना, तो वो हाइट क्या बन जाएगी मेरे पास, 0.2 सेंटीमीटर. बस बाकी सेम क्वेश्चन, आपको ये खुद ट्राई करना है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. क्लियर बेटा, समझ आ गई सबको, कर सकती हो ना? क्लियर, चलिए बाकी हम क्वेश्चन 7th ऑनवर्ड वी विल ट्राई टुमारो. ठीक है, प्लीज सेंड योर कॉपीज फॉर चेकिंग. जिन्होंने भेज दी है वेल एंड गुड, बट बाकी सारे बच्चे जो हैं वो हमें भेजेंगे. फ्रॉम टुमारो वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 7th, 8th, and 9th. 3 क्वेश्चंस आर लेफ्ट, यस एक्सरसाइज वी विल डू. टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर बेटा.